हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। ओके माय स्टूडेंट, आज ओके माय स्टूडेंट, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक लाए माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिमांड। सही सुना, आज हम आपके लिए टॉपिक लाए हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीनिंग एंड इट्स टाइप्स। तो जैसा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का माइडियर स्टूडेंट इसका मीनिंग क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला है वही इसका मीनिंग है। तो ई डी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपान डेल्टा पी अपान पी। इसका मतलब ई डी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपान डेल्टा पी इंटू क्यू अपान पी। इसे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसे हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके मैं से, तो किसी भी गुड सर्विस का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसी के रेशियो को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करते हैं। ओके मैं से, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है, जब प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो उसके डिमांड में जो इंक्रीज या डिक्रीज होती है इसी टर्म्स इसी रेशियो को ही हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करते हैं। ओके मैं से, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। मैं से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेनली तीन प्रकार का होता है। ये एक बेस पे है, मतलब एक बेस पे, मतलब गुड्स एंड सर्विस के टाइप्स के आधार पे, गुड्स एवं सर्विस के टाइप उसको यूज करने के आधार पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तीन प्रकार का होता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके मैडम से, इसमें जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये भी तीन प्रकार का होता है, इसमें जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो तीन प्रकार का होता है, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके मैडम से, तो वन बाई वन हम चर्चा कर रहे हैं डिटेल में। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई पी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू होल अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी इक्वल टू वी कैन, इसी को हम और इजी हम रूप में लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू क्यू अपॉन पी इंटू पी अपॉन क्यू। ओके मैं से, तो इसे फॉर्मूले में लिख सकते हैं ई पी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके मैं क्वेश्चन, अब हम आते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इसे आई डी से डिनोट करते हैं। आई डी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू होल अपॉन डेल्टा आई अपॉन आई, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में और लिख सकते हैं ई आई बराबर, जहाँ पे ई आई क्या है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा आई इंटू आई अपॉन क्यू, इसे बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। तो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। ओके मैं, ये तीन कैटेगरी होती है, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन दैट इज पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, अगर ई डी इज लेस देन वन तो इसे बोलते हैं नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर ई डी इज लेस देन जीरो तो इसको बोलते हैं नेगेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके मैं क्वेश्चन, एंड इफ ई डी इज इक्वल टू जीरो तो इसे बोलते हैं जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके मैं क्वेश्चन, अब नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसे ई सी से डिनोट करते हैं। तो ई सी बराबर डेल्टा क्यू एक्स अपान क्यू एक्स होल अपान डेल्टा पी वाई अपान पी वाई, इसको हम और इजी फॉर्म में लिख सकते हैं डेल्टा क्यू एक्स अपान डेल्टा पी वाई इंटू पी एक्स अपान क्यू अपान पी वाई इंटू क्यू एक्स। इसका मतलब होता है, इसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स अपान परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स वाई, मतलब कि गुड्स एक्स के
क्वांटिटी में जो परसेंटेज चेंज आता है और वही गुड्स वाई के प्राइस में परसेंटेज चेंज में जो चेंजेस आता है, इसी के रेशियो को हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। ओके मैडम, तो आज हमने चर्चा किया व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका फॉर्मूला, इसका मीनिंग और इसके डिफरेंट टाइप्स और उसका फॉर्मूला और उसका मीनिंग। ओके मैडम, सो ओके, तो टुडे वी हैव डिस्क्राइब टुडे व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिमांड। सो वंस अगेन आई एक्सप्लेन यू इन शॉर्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ED is equal to delta Q upon Q upon delta P upon P. Okay, similarly there are three types of elasticity of demand: price elasticity of demand, income elasticity of demand, and cross elasticity of demand. And again, income elasticity of demand has three categories: positive income elasticity of demand, negative elasticity of demand, and zero income elasticity. Okay, my friend. अगर आपको इसमें से कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर, मैं उसका जवाब दूंगा। और हाँ, और अगर नहीं तो विश ऑल इन, मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इससे मुझे और खुशी की बात क्या चाहिए। ओके मैम सेन, और हाँ, और मेरे इस वीडियो चैनल, और अभी तक आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल वीडियो, क्योंकि ऐसा करने से तो आपका तो एक रुपये भी नहीं लगता है, बट इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ जाते हैं, जो मैं बड़ी अपनी मेहनत से ये वीडियो तैयार करके आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचाता हूँ। और मेरा मानना है कि यह वीडियो आपके लिए, आपसे संबंधित जितने भी लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न शॉर्ट टर्म में तो लॉन्ग टर्म में, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाती, नॉलेज डज नेवर गेट्स एक्सपायर। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को, चैनल को अपने अधिक से दोस्तों, फ्रेंडों, रिलेटिव को अधिक से शेयर करिए, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे फेसबुक के माध्यम से। ओके मैडम सेन, ओके, तो कल फिर मिलते हैं, फिर डिमांड एनालिसिस के अंतर्गत, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एनालिसिस के अंतर्गत, फिर किसी टॉपिक से या फिर इसी टॉपिक से, मैंने फिर आगे किसी टॉपिक से। टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट, शिव एंड महादेव।